कहते हैं जब पुलिस वाले की लाश मिलती है तो फिर सवाल खड़े होते हैं, पुलिस सख्ते में भी आ जाती है। ऐसा एक मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले में सामने आया है, जहां एक पुलिस वाले की लाश कुएं में तैरती हुई मिली है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मामला सिविल लाइन थाना की FSL कॉलोनी से जुड़ा है, जहाँ ASF की 5वीं बटालियन में तैनात प्रधान आरक्षक अगस्तक टिग्गा, जिसकी उम्र 50 साल है, उसकी लाश पुलिस लाइन के ग्राउंड में बने कुएं में मिली है। यह प्रधान आरक्षक मुरैना का रहने वाला है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जो 5th बटालियन की जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व कंपनी थी, तो उसमें प्रधान आरक्षक पदस्थ थे टिग्गा जी, उनकी आज अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है। उनकी डेड बॉडी कुएं में यहाँ पे मिली है, तो उसके संबंध में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और जांच कराई जा रही है, और जांच के उपरांत जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ये यहाँ पे कंपनी में पदस्थ थे, जो कंपनी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी के लिए है, और ये कंपनी वाटर मास्टर थे, और वो सामान्य रूप से वहाँ पे जाया करते थे पानी की मोटर वगैरह चालू करने के लिए। तो इसमें जो भी सारे पहलू हैं, तमाम सारे पहलू हम लोग के समक्ष आए हैं, तो उसमें हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, और जो भी इनकी जो कल्याण के संबंध में जो भी सहायता राशि और बाकी सारी चीज़ें, वो इनकी कार्रवाई की जा रही है। इनको बाकायदा सम्मान के साथ यहाँ से अंत्येष्टि के लिए यहाँ से विदा किया है, साथ ही परिजनों को यह सूचना भी दे दी है। अब यह हादसा है या फिर कुछ और, पुलिस इसकी जांच कर रही है। आदर्श दुबे, सागर एक्सप्रेस, न्यूज सागर।